रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपने आसपास से इतने बेखबर कितने ध्यान से क्या पढ़ रहे हो? डैडी एक कहानी है, मेरा मतलब एक वन लाइन आइडिया कहानी का सिनॉप्सिस। डैड, लफ्जों में इसके इतनी पकड़ है कि पढ़ते पढ़ते आप बिल्कुल अपने आसपास की दुनिया से बेखबर हो जाते हैं। दिलो दिमाग को हिला कर रख देती कहानी है। डैड, मेरा तो ख्याल है कि हमें इसे प्रिंट करवा के ज़रूर इसकी मार्केटिंग करनी चाहिए। मैं पढ़ लेता हूँ, फिर मैं आपको देता हूँ पढ़ने के लिए। और बड़ी मज़े की बात यह है डैड कि कहानी भेजने वाले ने अपना नाम नहीं भेजा, सिर्फ सिनॉप्सिस लिख के भेज दिया है। डैड, आर यू ओके? यस सन, आई एम ओके। नो डैड, आप बहुत ही अनकन्विंसिंग तरीके से झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं बेटे, ऐसी कोई बात नहीं। डैड, आपके और मामा के बीच में कोई तनाव तो नहीं? तुम ऐसा क्यों पूछ रहे? क्योंकि मामा भी आजकल कुछ उकड़ी उकड़ी सी रहती, ऑफ कलर, ऑफ मूड। नहीं नहीं, मेरी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं। डैड, अगर उनकी तरफ से भी ऐसी कोई बात है तो भी असर तो आप पर भी होगा। बेटा, मैं बस थकावट महसूस कर रहा था, और कोई बात नहीं। ये शॉप सुनाए डैड, सुनाए। मेरे दिमाग में ये बात बिल्कुल नहीं जम रही कि मैं जो आपके सामने इतनी बड़ी बड़ी ढींगे हांक रही थी उनमें मैं एकदम फेल हो गई। क्यों, क्या हुआ? आपके केस में मैं जिधर भी जाती हूं एक दीवार से टकरा कर लौट आती हूं। क्या हुआ? देखिए ना, 16 साल पहले श्रीकांत राव की हत्या हुई थी। तब उसके घर में उसकी जोरू और एक बेटी भी थी। जोरू को तो हत्या के इल्जाम में पकड़ लिया गया था, तो मैंने सोचा सबसे पहले उसकी बेटी की तलाश करनी चाहिए। तो फिर तुमने कहां कहां तलाश किया?
सबसे पहले मैं शहर के सभी अनाथालयों में गई, लेकिन वहां उसकी लड़की नहीं मिली। फिर उसके बाद मैंने वो सब रिकॉर्ड देखे जिनमें पिछले 16 सालों में लड़कियों को गोद लिया गया था। मैं उन सब परिवारों में गई, उन सब लड़कियों से मिली, लेकिन वहां उसकी लड़की नहीं मिली। फिर मुझे लगा कि भगवान न करे किसी दुर्घटना में वो हम समझते हैं कि ऐसा नहीं हुआ होगा। नहीं हुआ होगा, बिल्कुल नहीं हुआ होगा। इतने भरोसे के साथ तुम कैसे कह सकती हो? क्योंकि मैं सभी पुलिस स्टेशनों में गई थी, दवाखानों, अस्पतालों में। पिछले 16 साल में हुई मौतों के बही खाते देखे हैं मैंने, उनमें भी उसकी लड़की का कोई पता नहीं। उसकी उम्र में मरने वाली लड़कियों में किसी के भी बाप का नाम श्रीकांत राव नहीं है। उनकी पत्नी के बारे में तुमने कुछ पता नहीं किया? उनकी खोज में मैं जेल के बाहर तक तो पहुंची, मगर अंदर की कोई खबर नहीं मिली। इस तरह तो तुम्हारा नाम बदनाम हो जाएगा खबरी, लोग तुम पर विश्वास करना छोड़ देंगे। राजकुमारी साहिबा, अब जो भी हो, खबरी ने यह फैसला किया है कि जब तक आपका काम नहीं होगा, खबरी और कोई काम नहीं करेगी। इजाजत है। वेरी सैड यार, वेरी सैड। आज हमारे कॉलेज में कोई इंटरेस्टिंग लड़की नहीं आ रही है यार। बॉस, एक चिट्ठा और एक चिड़िया दोनों साथ में आ रहे हैं। चिड़िया और चिड़िया, जा चल यार, चल उठ 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 क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं आप लोग? नए आए हो ना? हाँ तो मैं क्लियर, जो तुम पूछोगे वो हम लोग जवाब देंगे। पिंटो, नहीं नहीं, मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो हम लोग पूछेंगे उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? वेल, मेरा नाम मोना और इनका नाम सूरज। मोना और सूरज, इट्स नॉट मैचिंग प्रॉपर्ली, राइट? इट शुड हैव बीन मून एंड सन। तुम्हारी हॉबीज क्या क्या है? मेरी हॉबीज? हाँ, तुम्हारी? ओह वेल, यू नो, खतरों से खेलना, लोगों के हाथ पैर तोड़ना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, सच बोलना और मुंह पर बोलना। ये बैंडेड क्वीन है। और कुछ बोलो। वेरी एक्साइटिंग, वेरी एक्साइटिंग। और सूरजमुखी, हाँ, तुम्हारी क्या क्या हॉबीज है? बताना। इतने से एक मिले, खाना पीना, हंसना खेलना, सोना। खेलना? ए, तू क्या खेलता है रे? कैरम। ओ, आगे गोटी, गोटी, ताश, ताश, बिंडी कोट। बच्चा है, बच्चा है। एनीवे, तुम खाती क्या हो? तुम्हारे खाने के शौक क्या क्या है? खाने के शौक अक्सर तो मैं लोगों के भेजे खाती हूँ, मगर कभी कभी चिकन एंड गार्लिक सॉस। भेजे खाती है? अगर आप भेजा खाती हैं तो जाहिर है कि आप गाना तो गा ही नहीं सकती। गाना आता है? वेल, गाना तो नहीं आता,
हाँ मगर चिल्लाना जरूर आता देखा? है। देखा? ए, 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 do you see him? कभी कभी बाथरूम में एकदम यूजलेस लड़के हैं यार। तो मुर्गा बनाए बाबा मुर्गा बनाना चाहिए जी बॉस। चलो मुर्गा बन जा रे बन जा मुर्गा यू लिटिल चिकन बन बन चल इसको एक्सपीरियंस है बन जा मैं बन का वो बन साल से बन ऐसा कितना अच्छा गुड मॉर्निंग हेलो माया मैं शीतल बोल रही हूँ। जी बोलिए क्या हुआ कुछ पता चला उस औरत का? उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। एक्चुअली कोशिश जारी है आदमियों को मैंने काम पर लगा दिया है। माया तुम्हें क्या लगता है तुम ढूंढ पाओगी उसे? हाँ काम तो थोड़ा मुश्किल है। एक्चुअली हमारे पास एक बुरके के अलावा और कोई क्लू भी तो नहीं है। ठीक है लेकिन कोई प्रोग्रेस हो तो मुझे फोन करके बता जरूर देना। जी जरूर। हेलो हेलो वर्मा साहब की बेगम बोल रही हैं? हाँ हम वही हैं। वो बुरके वाली जो आपके पास आई थी वो मदद मांगने के लिए। अब आप कहाँ से बोल रही हैं? हम ये नहीं बता सकते। क्यों? हमारी जान को खतरा है ना। क्या मतलब? अब ये सब तो हम आपको मिलने पर ही बताएंगे। कहिए आप हमसे मिलेंगी ना? हाँ हाँ बिल्कुल तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो। जी नहीं पिछली बार हम लाए थे तशरीफ आपके यहाँ इस बार आपको आना होगा बेगम साहिबा। आऊंगी ना। ठीक है बताओ कब और कहाँ? दो दिन बाद जुमेरात है बेगम साहिबा। कहिए जी सुबह 11 बजे। हाँ कहाँ पे? किसी को कहिएगा नहीं। वो क्या है कि हमने जब से वो 16 साल पहले वाली कत्ल के बारे में जिक्र किया है ना तो हमारी जान को खतरा है बेगम साहिबा। ठीक है मैं नहीं बताऊंगी। कुछ लिखिएगा मत याद रखिएगा। नहीं लिखूंगी मैं। प्रार्थना समाज हॉल प्रभाते। लेकिन वो हॉल मैं इसे बनाया उसे बनाया मुझे उल्लू बनाकर बताओ तो जाने। Well, तुम्हें बनाएंगे नहीं तुम्हें रुलाएंगे। मुझे आप रुलाएंगे? जी really? तो लगी इसी बात पे एक बेट बॉस एक कायदे दो इस क्लेवर चीज को अपन अपने साथ रखे। तू चुप बैठ। चुप हम इसके राग नहीं करेंगे। हाँ हम इसे राग नहीं करवाएंगे। That's right Vicky, that's right। अपना पूरा नाम बताएंगे आप? मोना भाऊ साहेब जोशी। सारा मजा किरकिरा कर दिया। क्या करते हैं यार आप लोग? क्या 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 कुछ नहीं हम लोग वो कोबरा कोबरा हाँ हम लोग साथ में सो मिले हैं। वो क्या है मोना जी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ जो भी कुछ हुआ है वो आप अपने डैडी से मत कहना प्लीज। डैड से नहीं कहूँ। नहीं अरे मगर आप लोग मेरे डैड से इतना डरते क्यों हैं? डरना पड़ता है यहाँ क्यों आए? मैंने तुम्हें कहा था अगर तुम मुझे दोबारा यहाँ नजर बोला वैशाली पद्मिनी प्रिंसिपल के कमरे में बैठी है उसने
राजू ने कंप्लेंट कर दिया। क्या? मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, मुझे गाँव जाना है। मुझे भी जाना भाई। मुझे आज तक कभी घर के अलावा एंटरटेनमेंट या रिलैक्सेशन की जरूरत ही महसूस नहीं हुई है, सचमुच। अगर यही बात किसी और ने कही होती तो मैं कहती कि झूठ है, मगर तुम। एक्सक्यूज मी। हेलो, आप मिसेस सुनीता खन्ना बोल रही हैं? बोल रही हूँ, मैं वही हूँ जो शादियों की सिल्वर चोटी पर सर दे। हाँ, मैं आपसे मिलने आई थी, याद है ना? याद आया। बताइए, मैं आपको एक ग्रुप डिस्कशन के लिए इनवाइट करना चाहती हूँ। वहाँ सिर्फ औरतें होंगी, शादी की सिल्वर जुबली यानी 25 साल का डिस्कशन होगा। देखिए, मैं सब इन चीजों में सचमुच पूछो तो प्लीज मना नहीं कीजिए। देखिए, आप लोगों की शादीशुदा जिंदगी कितनी अच्छी है, कितनी खुशहाल है, बहुत लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे। आप आएंगी ना? ठीक है, कहाँ और कब आना है? अगली थर्सडे 11 बजे प्रार्थना सभा हॉल प्रभा देवी। मैं पहुंच जाऊंगी। बोलिए कने। जी हाँ, जरूर। वो आज की हेडलाइंस? मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करके बता देता हूँ। हाँ मुकुल, आओ आओ बेटा, आओ बैठो। अच्छा हुआ तुम आ गए। तुमसे सलाह लेकर हो सकता है कि मेरा जो कंफ्यूजन है वो जरा सा कम हो जाए। बेटा, हमारे पास 3 ऐसी खबरें हैं जो कल के एडिशंस की सुर्खियां यानी कि हेडलाइन बन सकती हैं। पहली खबर है देसी शराब से 100 मरे। दूसरी है बहुत ही आबादी वाले इलाके में एक बॉम्ब ब्लास्ट। और तीसरी, लोकसभा के एक मेंबर की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या, हत्यारा फरार है। अब तुम ही बताओ कि इन तीनों में से मैं क्या? बात है बेटा, अपसेट लग रहे हो, एनी प्रॉब्लम? जी डैडी, एक प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं बेटा, पहले तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। अभी तो मैं अखबार का मालिक बन के बात कर रहा था, अब तुम्हारा डैडी बन के सुन सकता हूं। बताओ क्या प्रॉब्लम? डैडी, बात यह ना कि मुझे। बेटा प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम, मेरे पास बहुत काम है, जल्दी बताओ क्या प्रॉब्लम है। डैडी, मेरी प्रॉब्लम यह है कि मुझे एक ऑफर आई है। कैसी ऑफर? एक म्यूजिक कंपनी ने मेरा एल्बम निकालने का फैसला किया और डैडी आज कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बुलाया है। बेटा, मैं तुमसे पहले भी बहुत बार ये कह चुका, आज फिर कहता हूं, शौक की हद तक ये म्यूजिक का मामला है, लेकिन इसे करियर बनाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। डैडी, मैं ये जानना नहीं चाहता कि आपको पसंद है या नहीं। तो क्या जानना चाहते हो तुम? कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करूं या ना करूं। अगर मेरी इजाजत लेना चाहते हो तो नहीं। कहां जा रहे हो? कहीं नहीं। तो प्रजातंत्र है, लेकिन जब तक तुम लोग बताओगे नहीं कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो तो मुझे कैसे पता चलेगा। बैठो। सर, हम लोग शिकायत करने आए हैं अरुण नाम की एक लड़की की। शिकायत करने आए? लिखकर लाई हो या बताओगे? बताऊंगी। ठीक है, बताओ। सर, कल कॉलेज में अरुण और उसके साथी वैशाली की रैगिंग कर रहे थे। अगर मैं ठीक टाइम पर ना पहुंच गई होती तो उन लोगों ने शराफत की सारी हदें पार कर ली होती और बदतमीजी की होती। अरुण, बजाज को बुलाओ। ये तुमने क्या किया वैशाली? कोई बात नहीं, एक मिनट, मेरे पास पट्टी है, ये लगाइए प्लीज।
ये पायल तुम्हारे पास कहाँ से आई? शायद मम्मी की है। शायद हाँ, क्योंकि मैंने मम्मी को कभी पहनते नहीं देखा, लेकिन मुझे मिली उन्हीं के पास से। और तुमने इसे अपने हाथों में पहन लिया? पायल तो पाँव में पहनी जाती है। एक ही थी तो मैंने सोचा पैरों में तो बांध नहीं सकती, हाथों में ही सही। काफी पुरानी है, एंटीक। तुमने अपनी मम्मी से दूसरी पायल के बारे में पूछा? नहीं, पूछना चाहिए। तुम किसकी बेटी हो? मिस्टर राहुल खन्ना। मिस्टर राहुल खन्ना? हाँ, आप मेरे पापा को जानती हैं? हाँ, शायद नाम सुना हुआ लगता है। ये पायल तुम्हें हमेशा तुम्हारे घाव की याद है।